कमांडर आशीष शर्मा के नेतृत्व में अंतर सेना और दिल्ली पुलिस की राष्ट्रीय ध्वज गारद का विसर्जन। भारत ने स्वाधीनता के बाद हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं और मजबूत कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। And as the National Flag Guard marches off, the early morning light taking on a brighter hue as the day unfurls like the national flag, bringing with it the dawn of another 15th of August, the day that India awoke to freedom in 1947. And as the guard moves off, the focus will now move to the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, as he addresses the nation. मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर बधाई देता हूं। आज यकीनन ही खुशी का दिन है, लेकिन आजादी के इस त्योहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। मैं आज उत्तराखंड की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारा देश उनके साथ, हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। उत्तराखंड में कठिन परिस्थितियों में हमारी फौज, अर्धसैनिक बलों और केंद्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। हम खास तौर पर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के उन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक आईएनएस को खो दिया। इस हादसे में 18 बहादुर नौ सैनिकों के शहीद होने की आशंका है। ये नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी नेवी ने अपनी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहंत और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के रूप में तो बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ साथ नेवी के सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। भाइयों और बहनों, 1947 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आजादी हासिल की। इसके बाद के अपने सफर पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि हर 10 साल पर हमारे देश में बड़े बदलाव आए हैं। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के काम में
बहुत बड़ा योगदान दिया। पहली बार आम चुनाव कराए गए और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नए नए उद्योग और कारखाने लगवाए, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता परवान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। साल 1991 में हमने श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बखूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन ये सुधार राष्ट्रहित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। साल 1991 से लेकर आज तक सुधारों की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है, उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। आम आदमी को नए अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ी है। भाई और बहनों, मई 2004 में पहली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हो, जहां शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हो, जहां सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हो, जहां समाज के किसी भी तबके को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े। हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहां नौजवानों को रोजगार के ऐसे अवसर मिलें जिनके जरिए वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान कर सके। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है
जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे। इन सपनों को साकार करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन सफर लंबा है, अभी बहुत फासला और तय करना है। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। हम अपने किसानों की मेहनत के वजह से ही इस कानून को लागू कर पाए हैं। साल 2011-12 में हमारी अनाज पैदावार 25.9 करोड़ टन रही, जो एक रिकॉर्ड है। बिना तेज कृषि विकास के हम अपने गांव में खुशहाली पहुंचाने का मकसद हासिल नहीं कर सकते। पैदावार बढ़ाने और किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए हमने लगातार कोशिशें की। फसलों के खरीद मूल्यों में पिछले 9 सालों में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। गेहूं और धान के खरीद मूल्य दुगने से भी अधिक किए गए हैं। कई ऐसे राज्यों में जहां पहले अनाज की कमी रहती थी, आज उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास की औसत सालाना दर 3.6% रही है, जो 9वीं और 10वीं योजना दोनों से ज्यादा है। अब ग्रामीण इलाकों में खुशहाली बढ़ने के साफ संकेत दिखाई देने लगे। साल 2004 से लेकर 2011 तक प्रति व्यक्ति उपभोग किया जा रहा सामान और सुविधाएं पहले के मुकाबले में 4 गुना तेजी से बढ़ी। ग्रामीण मजदूरी दर में भी कहीं अधिक तेजी से वृद्धि हुई। मनरेगा की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। गरीबी को नापना एक मुश्किल काम है। गरीबी की परिभाषा को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हमें गरीबी की चाहे कोई भी परिभाषा अपनाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2004 के बाद गरीबी कम होने की गति तेज हुई है। कई ऐसे राज्य जो बहुत समय से पिछड़े माने जाते थे और जिनमें कुछ को बीमारू कहा जाता था, आज तेजी से विकास कर रहे हैं। भारत में हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। गरीबों और कमजोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा वजीफे दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए संस्थान खोले गए हैं, जैसे 8 नए IIT, 7 नए IIM, 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 10 नए
NIT साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नई संस्थाएं खोली गई। साइंस की पढ़ाई में ज्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए और विदेशों से भारतीय साइंसदानों की वापसी आसान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे स्कूलों में अभी भी पीने का साफ पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर देना दिया जाना आवश्यक है। मिड डे मील योजना में रोज करीब 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। ये इस योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसको बेहतर तरह से लागू करना भी बहुत जरूरी है। बिहार में पिछले दिनों जो दर्दनाक हादसा हुआ वो देश में कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए। 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों तेजी से घटे हैं। पहले से कहीं अधिक बच्चों का जन्म आज अस्पतालों में होता है। टीकाकरण के प्रतिशत में भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले 2 सालों से हमारे देश में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया। हमें एक ऐसे रोग को मिटाने में कामयाबी मिली है जो लाखों लोगों को अपंग बना दिया करता था। हमारे गरीब भाई बहनों को अस्पतालों में इलाज के लिए मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब 3.5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचा रही है। हमने शहरी क्षेत्रों में भी हेल्थ मिशन लागू किया है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और उनमें सुधार आएगा। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून को मजबूत बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों, रेलगाड़ी, बिजली उत्पादन, सिविल एविएशन, बंदरगाहों और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी पिछले 9 सालों में काफी तरक्की हुई है। गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 37,000 किलोमीटर से ज्यादा नए हाईवे बनाए गए हैं, जिनसे व्यापार और यात्रा अब ज्यादा आसान हो गए। 40 से ज्यादा हवाई अड्डों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। सन 2004 में सिर्फ 7% लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन थे। आज 73% लोगों को ये सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण इलाकों में ये प्रतिशत 2 से बढ़कर 40 हो गया है। बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भाइयों और बहनों, हाल के महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात चर्चा में रही है कि पिछले साल हमारी विकास दर कम होकर 5% रह गई है। ये बात सच है और हम इस हालत में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा देश ही अकेला आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है। पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मुश्किल भरा रहा है। यूरोप के बड़े बड़े देशों में इस वक्त मंदी चल रही है। दुनिया भर में
हर जगह निर्यात बाजारों की स्थिति में गिरावट आई है। सभी विकासशील देशों को मंदी का सामना करना पड़ा है। मेरा मानना है कि भारत में धीमे विकास का दौर बहुत दिन नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में औसतन 7.9% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। विकास की ये रफ्तार अब तक किसी भी दशक में हुई प्रगति से कहीं ज्यादा है। भाइयों और बहनों, आज दुनिया के देश एक दूसरे से जितना जुड़े हुए हैं उतना पहले कभी नहीं रहे। हमने अपनी विदेश नीति के जरिए ये कोशिश की है कि भारत को इस बात का पूरा फायदा मिले। दुनिया की बड़ी ताकतों से पिछले 9 सालों में हमारे संबंध लगातार सुधरे हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित 10 आसियान राष्ट्रों के साथ हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए ना होने दे। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 2012 में और इस साल कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बावजूद पिछले 9 साल सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अच्छे गुजरे हैं। आतंकवादी और नक्सली हिंसा में भी कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में हमें लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। समय समय पर हो रहे नक्सली हमलों को पूरी तरह रोकने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली 25 मई को जो नक्सली हिंसा हुई वो भारत के लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, सरकार के काम को ज्यादा संवेदनशील, पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से मैं सिर्फ 2 का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। RTI कानून के जरिए आम आदमी को अब सरकारी कामकाज के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानकारी मिल रही है। इस कानून का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर हर स्तर पर हो रहा है। ये कानून अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को सामने लाता है और सुधार का रास्ता खोलता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में RTI की वजह से सरकारी कामकाज में और सुधार आएगा। हमने संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया है, लोकसभा ने इसे पास कर दिया है और अब इस पर राज्यसभा विचार कर रही है। ये कानून हमारी राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाई और बहनों, हमने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बदलाव का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसे आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तेज आर्थिक विकास हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना,
ये सब तेज आर्थिक विकास के बगैर मुमकिन नहीं है। पिछले 9 साल में हमने आर्थिक विकास की जो औसत रफ्तार हासिल की है उससे हमारे देश की क्षमताओं का पता चलता है, लेकिन इस वक्त देश के आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। हम इस कमी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने, देश में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई परियोजनाओं की अड़चने दूर करने का काम कर रही है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में कोयले की आपूर्ति एक समस्या बन गई थी, इसको हमने काफी हद तक सुलझा लिया है। आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सी बड़ी परियोजनाओं पर हम काम शुरू करने वाले हैं। इनमें 2 नए बंदरगाह, 8 नए हवाई अड्डे, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रेल परियोजनाएं शामिल हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने कई क्षेत्रों में ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाई है और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया है। निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमें अगले कुछ महीनों में साफ दिखने को मिलेंगे। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आएगा। भाइयों और बहनों, फूड सिक्योरिटी कानून बनने के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। इस दिशा में हमने राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंप्यूटराइजेशन के काम में तेजी लाई जाएगी। मिड डे मील स्कीम में सुधार लाए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में मिल रहा भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ साफ सुथरे ढंग से बना हुआ होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में शुरुआत में हम इतनी अच्छी प्रगति नहीं कर पाए जितनी चाहते थे, लेकिन अब इसमें तेजी आई है। हमने कुछ महीने पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। हम जल्द ही एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत उन नौजवानों को लगभग 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी जिन्होंने सफलतापूर्वक नई स्किल्स हासिल की हैं। इस योजना से अगले 12 महीनों में करीबन 10 लाख नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हाल ही में सुधार लाए गए हैं, अब इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए खरीद मूल्य निर्धारित करने की स्कीम को मजबूती मंजूरी दे दी गई है। इससे हमारे